बटरफ्लाई करते करते हम कहानी सुनेंगे। घुटनों को अप डाउन करें। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक व्यक्ति के यहाँ विवाह का आयोजन था। 200 व्यक्तियों को उसने आमंत्रित किया भोजन के लिए। लोग जलसा कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे। एक व्यक्ति आया, अपनी जेब से उसने डिबिया निकाली और उसमें से एक सिक्का निकाला। उसने कहा, यह सिक्का कोई 3000 वर्ष पुराना है, मिस्र का, इजिप्ट का सिक्का है और ये ऐसे सिक्के दुनिया में केवल दो ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो लोगों को उत्सुकता बढ़ी और सब सिक्का देखने लगे। एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने कहा अच्छा मुझे भी बताओ, अच्छा मुझे भी बताओ। तो वह सिक्का घूमने लगा, आगे आगे जाने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो सिक्का गायब हो गया। तो जब वो सिक्का लाया, उसने कहा वो सिक्का बड़ा कीमती था, भले ही 1 रुपये का सिक्का था पर मैंने उसको 30,000 रुपये में खरीदा और ऐसे सिक्के दुनिया में केवल दो ही बचे हैं। एक मुझे मिला तो मैंने सोचा चलो शादी में जा रहा हूँ, लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जो किसी के पास नहीं, तो बताने के लिए मैं लेके आया। तो आपने ये क्या कर दिया? लोगों ने कहा भी जाएगा कहाँ इस सीमा से बाहर जाने से रहा। उसने कहा मैं सबकी तलाशी लूँ, बिना तलाशी लिए मैं जाने दूंगा नहीं, सिक्का मेरा कीमती है, मैं सिक्का लिए बिना छोड़ूंगा नहीं। लोग तैयार हो गए, ले लो हमारी अगर तलाशी ही लेनी तो ले लो। लेकिन एक व्यक्ति उसमें से बोला मैं तलाशी नहीं लेने। अच्छी बात नहीं, हम क्या चोर हैं? किस हिसाब से बुलाया हमें यहाँ और बुलाया हमको चोर समझा है क्या? मैं तलाशी नहीं दी। सब ने कहा तलाशी देनी पड़ेगी, जब हम सब तैयार हैं तू क्यों नहीं देना? उसने कहा देखो ज़्यादा बात की तो अपने जेब से रिवॉल्वर निकाला, मैं गोली मार दूँ, तलाशी मैं दूंगा नहीं, जो हिम्मत करेगा उसको गोली मार दूंगा। अब तो बात पूरा तहलका मच गया, पुलिस तक खबर पहुंच गई। पुलिस आती उसके पहले ही एक घटना घटी। लोग पानी पी रहे थे और जैसे ही किसी ने ग्लास उठाया उस ग्लास के नीचे किसी ने सिक्का रखा, वो सिक्का वहाँ मिला। तो फिर लोगों ने कहा अरे भाई तुम क्यों इतना बवाल खड़ा कर रहे थे, जब तुम्हारे पास सिक्का था ही नहीं तो तलाशी देने में क्या तकलीफ है? उसने कहा आप नहीं जानते, मैं जो ये कह रहा था कि दो सिक्के इस दुनिया में हैं, वो दूसरा सिक्का मेरे पास है। अगर मैं तलाशी ले मेरी तलाशी ली जाती और वह सिक्का मेरा जो सिक्का है निकलता तो मैं चोर कहलाता, क्योंकि वो सिक्का मेरा ही है और आप समझते हैं वो मेरा है, जबकि आपका सिक्का वो गिलास के नीचे पड़ा था, आप मुझे चोर समझते। 5 मिनट पहले ही मैं चोर साबित होता था, इसलिए मैंने जिद की। और आप लोग निर्णय को जल्दी दे देते हैं कि नहीं यही चोर है। सब ने कहा इसका मतलब हो न हो यही चोर है, इसलिए अपनी तलाशी नहीं लेने देते। तो हम जिंदगी के बहुत से निर्णय बिना सोचे समझे कर लेते हैं और किसी को निर्णय सुना देते हैं, उसको दोषी ठहरा देते हैं, जबकि उसका दूसरा पक्ष हम जानते नहीं। तो हो सकता है वह ना हो जिससे वह चोर नहीं था, लेकिन सबके दिमाग में एक बात आ गई तो वह चोर। तो ये यांत्रिक तरीके से ऐसा करता होगा तो ऐसा होगा ही और निर्णय सुना दिया जाता है। तो हम सजग नहीं हैं, इसका मतलब हम बेहोशी में निर्णय कर रहे हैं। हमें सजग होकर काम करना है। क्रोध भी आया तो उसकी वजह क्या थी, सही थी कि नहीं थी? बिना वजह ही मैंने क्रोध कर लिया, इसका मतलब मेरा निर्णय गलत था। तो दूसरा पक्ष हम जरूर देखें, सभी पक्ष देख कर ही हम काम को क्रियान्वित करें। हर कार्य सजगता के साथ किया जाएगा तो कभी गलत नहीं होगा और बेहोशी में किया हुआ काम कभी सही नहीं होगा। इसलिए हर काम सजगता के साथ करें।